40,000 रुपीज का स्मार्टफोन है आईफोन SE, पर इसके बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा 5 वॉट का चार्जिंग अडैप्टर। थैंकफुली ये 18 वॉट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, पर उसके लिए आपको अलग से अडैप्टर खरीदना पड़ेगा। मेरे पास 18 वॉट का चार्जिंग ब्रिक तो नहीं है, पर अपना आईपैड वाला 12 वॉट चार्जिंग ब्रिक है। इस वीडियो में करेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट, देखते हैं कि 0 to 100% होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना 12 वॉट वाला चार्जिंग अडैप्टर। एक छोटी सी बात बताना था, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखा होगा यूट्यूब में जिसमें दिखाते हैं कि पहले 80% तक तो जल्दी चार्ज हो जाता है, उसके बाद आखिरी के 20% चार्ज होने के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें एक सेटिंग्स डिसेबल नहीं करते हैं। वैसे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो सेटिंग दिया जाता है वो सेफ्टी फीचर के लिए होता है, सेफ्टी इन द सेंस आपके बैटरी हेल्थ के लिए होता है। पर अगर आपको जल्दी से जल्दी चार्ज करना है तो उस सेटिंग्स को डिसेबल करना ही होगा, जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको आईफोन SE के बहुत सारे और वीडियोज देखने हैं, जैसे इसका ड्रेन टेस्ट हो गया या इसका कैमरा रिव्यू, वीडियो कैमरा रिव्यू या अनबॉक्सिंग ही देखना है, वो सब चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना। लाइक एंड वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, इस वीडियो में मैं एप्पल का 12 वॉट वाला अडैप्टर यूज़ करूंगा जो आईपैड के साथ आता है। इसमें आपको माइक्रो USB टू लाइटनिंग पोर्ट कनेक्टर्स देखने को मिल जाता है। फ़ोन में आप देख सकते हैं कि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी इसे पावर ऑन करने की कोशिश करता हूं। और आपको यहां पे वार्निंग दिखाते हैं कि चार्ज करो, और हमारा पुराना 6S प्लस टाइमर का ड्यूटी निभाएगा। इसे मैं अभी कनेक्ट कर देता हूं, एट अ काउंट ऑफ 1 to 3 पावर पोर्ट को भी मैं कनेक्ट कर देता हूं एंड टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। फ़ोन में सिर्फ वाईफाई चलेगा और ब्लूटूथ ऑफ होगा। सेलुलर कनेक्टिविटी मैंने एक सिम डाल रखा है और दूसरा सिम eSIM एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस पे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है कि इसमें eSIM कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। मेरे हिसाब से एक्टिवेट हो ही गया है, मैसेज आ रहा है पुराने फ़ोन पे। अभी मिलता हूँ मैं आपको आधे घंटे बाद और दिखाता हूँ कि कितना चार्ज हो चुका है। पूरा 32 मिनट्स हो रखा है, अभी देखते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 54% आप देख सकते हैं, 54%, तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 30 मिनट्स में 53% तक चार्ज हो गया होगा। और ये एप्पल के क्लेम के साथ बिल्कुल मैच करता है। एप्पल क्लेम करता था 18 वॉट के चार्जर से अगर हम चार्ज करेंगे तो 50% चार्ज मिलेगा, और हमने सिर्फ 12 वॉट का चार्जर यूज़ किया है और अभी तक 55% हो चुका है। 32.5 मिनट्स में 55% चार्ज, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सिम चल रहे हैं, एक सिम ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन है और दूसरा वाईफाई भी चल रहा है। और यस, अभी रात के 3:37 हो रहे हैं, इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं मिलता हूँ आपको एग्जैक्टली 1 आवर के बाद, मतलब और 30 मिनट्स के बाद। टाइम हो गया एग्जैक्टली 1 आवर, अभी देखते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 80%, मेरे हिसाब से 80% काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इससे ज़्यादा भी फास्ट चार्ज हो सकता था, क्योंकि सिर्फ इसमें 1821 mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। अभी मेरे को लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आखिरी के 20 मिनट चार्ज होने के लिए, या 20% चार्ज होने के लिए। देखते हैं कितने टाइम में चार्ज हो जाता है। मेरा अंदाज़ा है 2 आवर्स के आसपास। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना पॉज करके कि कितना टाइम लगने वाला है। मेरे को लगता है कि आखिरी के आधे घंटे 20 मिनट्स तक लेने वाला है। अभी मैं आप सबको मिलता हूँ एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट्स पे। अभी टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 2 आवर 1 मिनट्स, देखते हैं कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 99%, तो हमारा अंदाज़ा ऑलमोस्ट ठीक था कि 2 आवर्स के अंदर चार्ज हो जाएगा, तो 2 आवर 1 मिनट हो चुका है और अभी 99% पे है। एक छोटी सी बात मेरे को बताना था, हमारा चार्जिंग जो है थोड़ा सा फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग्स में जाके, बैटरी में जाके, और उसके बाद बैटरी हेल्थ में जाके मैंने ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग डिसेबल कर रखा है। अगर आप इसे इनेबल करके रखोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप क्विक चार्ज वगैरह करोगे, जल्दी से जल्दी आपको चार्ज करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग में क्या होता है, आईफोन जो है आपका पैटर्न देखेगा, बिहेवियरल पैटर्न, कि आप कितने बजे सोने जाते हो, फिर कितने बजे उठते हो, तो उस हिसाब से वो 80% तक पहले ट्रिकल चार्ज कर देगा जल्दी से जल्दी, उसके बाद वो धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करता है। जब मान लो कि अगर आप 6 बजे उठते हो रोज सुबह, तो वो 5 बजे वापस बाकी के 20% चार्ज करेगा, पूरा 100% पे चार्ज नहीं करेगा बैटरी को बचाने के लिए। तो वो मैंने डिसेबल कर रखा है इस टेस्ट के लिए, वरना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे जब ये 100% चार्ज हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 आवर 13 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं 100% चार्ज 2 आवर 13 मिनट्स में। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें लोग कह रहे थे कि 3 घंटे 3.5 घंटे लगने वाले हैं चार्ज करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर, कि इस पर पहले सिम था, एयरटेल वाला सिम, फिजिकल सिम इसमें था, उसको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अब इसका प्रोसेस पे है ई सिम के कन्वर्जन में, और वो कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जियो का सिम दिखा रहा है
और एक एयरटेल का सिम, सेकेंडरी सिम जो है वो एक एयरटेल का सिम है। यस, आईफोन ऐसे ई सिम सपोर्ट करता है, मतलब आप दो सिम इसमें चला सकते हो, एक फिजिकल सिम है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिम है। अगर आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसे कैसे इनेबल करना है, क्या यूजर्स है वगैरह वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो उसका भी आ जाएगा। तो जैसे कि आपने चार्जिंग टेस्ट पूरा देख लिया, 2 hours minutes लगा, और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगा था कि 1 hour के अंदर 80% हो गया था, 82-83% हो गया था, उसके बाद बाकी के परसेंट होने में इतना टाइम लग गया था, मतलब 1 hour 20 minutes लग गया था बाकी के 20% होने के लिए। अगर आप वो वाला सेटिंग्स जो मैंने बताया था बैटरी हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन का, उसे इनेबल करके रखते हो ना, तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये मेरे हिसाब से डिसेंट भी नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा घटिया भी नहीं कहूँगा, क्योंकि 1 hour में 80% हो रहा है, विच आई फील इज़ नाइस यूजिंग अ 12 watt चार्जर, और अगर आप 18 watt चार्जर यूज़ करोगे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर मैं एक छोटी सी बात सोच रहा था, अगर इसमें 55 watt या 65 watt का चार्जर दे देते हैं और ये सपोर्ट करता, तो मेरे हिसाब से 15 मिनट में चार्ज हो जाता, उस सिचुएशन में बहुत ही बढ़िया डील हो सकता था, मतलब 15 मिनट में फुल चार्ज, 3-4 घंटे चलेगा, फिर वापस 15 मिनट का फुल चार्ज। पर यार वायबल चीज़ें नहीं है ये सब, बैटरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जिंग यूज़ करोगे, जैसे 65 वॉट का चार्जिंग रेगुलरली यूज़ करते रहोगे तो आपको बैटरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस टेस्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो में हल्का सा भी एफर्ट दिखता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।